आज पूज्यवर साहेब जी द्वारा सहज साधना, सहज ध्यान और सहज समाधि के संबंध में बहुत ही सुंदर विवेचन हमने सुना। मनुष्य आज दुखी है, इसका मुख्य कारण है कि अपने जीवन से सहजता को हटाकर जटिलता की तरफ ले गया है। और जितने अधिक हम जटिल होते जाएंगे, अपने जीवन में जटिलता लाते जाएंगे, मन से जटिल होते जाएंगे, उतने ही दुखी होते जाएंगे। हमको कोई दुख से नहीं बचा सकेगा। कभी मैं इस पर सोचता हूँ, तो लगता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ सहज है, सब कुछ सहज है। ग्रह नक्षत्र सहज है, सब अपनी गति से सहज रूप से चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो ये ब्रह्मांड की रचना के संबंध में चर्चा करते हैं, कहते हैं कि पहले गैस द्रव्य था और गैस द्रव्य धीरे 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 शांत होते 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 फिर पिंड रूप में होने लगा। ये एक कल्पना है, परिकल्पना है, लेकिन इस रूप में भी हम देखें तो वो जो गैस द्रव्य था अबाध रूप से वो घूम रहा था, चक्कर काट रहा था, तो उसकी साम्य अवस्था आई, सहज हुआ, तो सृष्टि संभव हो सकी। तो प्रकृति सहज है अपने आप में, ग्रह नक्षत्र सहज हैं, ऋतु परिवर्तन सहज है, जगत में जो कुछ है वो सहज है, एक बच्चे का जन्म होना सहज है, सब कुछ सहजता पूर्ण है। बस हम मन को असहज करते हैं। और मनुष्य के लागे आज वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, जो समस्या पैदा हो रही है देश दुनिया में, यह भी मनुष्य के असहज मन का ही परिणाम है। जो भी समस्या खड़ी कर रहा है आदमी, और जितना हम मानसिक रूप से असहज होंगे ना, उतना ही अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या पैदा करेंगे। एक असहज आदमी क्या नहीं कर सकता, एक असंतुलित आदमी, असहज आदमी, वो अपने लिए तो मुसीबत बनता ही है, दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ा करता है। आप जब नेगेटिव थॉट्स के, नकारात्मक विचारों के प्रभाव में आते हैं, असहज होते हैं, जीवन के क्रम को आप गड़बड़ाते हैं, असहज होते हैं, खान पान आपका गड़बड़ाता है, असहज होते हैं, क्रियाकलाप गड़बड़ाता है, असहज होते हैं। एक दिन साहेब जी एक मंत्र कह रहे थे गीता का, बड़ा ही गहरा सूत्र है वो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ध्यान दीजिएगा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधो योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, दुख मुक्ति कैसे हो सकती है? दुख का अनुभव हम सब करते हैं, हर व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। अद्भुत है कि हम सुख के लिए चलते हैं, सुख के लिए प्रयासरत हैं और दुख का अनुभव करते हैं।
कोई आदमी दुख चाहता है? कोई आदमी दुखी होना चाहता है? लेकिन सुख के लिए प्रयासरत हैं, सुख के लिए प्रयत्नवान हैं, और दुख हमारी झोली में क्यों आ जाता है? क्यों आता है दुख? ये सोचने जैसा है, ये आत्मचिंतन करने जैसा है कि हम दुखी क्यों हैं। और इसी का उपाय इसमें बहुत बढ़िया बता रहे हैं। युक्ताहार विहारस, आहार और विहार युक्त हो। सामान्य रूप से भोजन पर ही कहा जा रहा है, आहार जो हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, वैसे देखें तो हम जो मुख से जो लेते हैं वही आहार नहीं है। पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ ग्रहण करते हैं वो सब कुछ आहार है। आंख का आहार क्या है? रूप। कान का आहार क्या है? शब्द। नाक का गंध, जीभ का रस और त्वचा का स्पर्श। अगर ये असंतुलित हैं, देखना संतुलित नहीं है, सुनना संतुलित नहीं है, सूंघना संतुलित नहीं है, रस लेना संतुलित नहीं है, स्पर्श संतुलित नहीं है, हम इनमें अतिक्रमण कर रहे हैं या गलत ढंग से खा पी छू रहे हैं, तो हमारा चित्त संतुलित कैसे हो सकता है? आज की भयंकर समस्या है मोबाइल। जितने आज बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जितने तनावग्रस्त हो रहे हैं, जितने खुरापाती दिमाग आज पैदा हो रहा है, और युवा वर्ग खास करके बिगड़ रहे हैं, ये भी आपसे छुपा नहीं है। कितने बच्चे खुद महसूस करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन एक बार जब गलत पथ पर चले जाते हैं अपने आप को बचा नहीं पाते, क्योंकि न तो उनको मोटिवेट करने वाला कोई मिलता है, न सही मार्गदर्शन करने वाला मिलता है, और न ही वो खुद समझ पाते हैं। और एक बार जब गलत चीजों में आदमी पड़ जाता है तो फिर अपने आप को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम गलत चीजों में जाते हैं ना, नकारात्मक चीजों में हम जब पड़ते हैं तो हमारी जो मानसिकता है बहुत कमजोर हो जाती है, मन बहुत नाजुक हो जाता है। इसलिए सोर्स जो है, जहां से हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, जहां से हम ले रहे हैं, जो आहरण कर रहे हैं, उसका संयमन भी बहुत आवश्यक है। गीताकार क्या कह रहे हैं? युक्ताहार विहारस, आहार दूसरी बात है, विहार। घूमना फिरना, आना जाना, यह भी संतुलित हो। युक्त चेष्टस, चेष्टा, सोच, थिंकिंग, वो सही हो। इसमें संतुलन की आवश्यकता है। आज हम यही तो है, ये हमारा जीवन असंतुलित हो रहा है, इसलिए प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। आज विकास के नाम पर, विज्ञान के नाम पर जिस प्रकार से संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, चिंतनीय है। कई बार लगता है ना, अरे यार इनको बड़े लोगों के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन विचारणीय तथ्य है ये, आप छोड़ करके बच नहीं सकते। अभी मैं यहाँ के ध्यान शिविर के पहले इधर कांकेर क्षेत्र में गया था, तो किसान लोग कुछ दवाई डाल रहे थे, तो क्या कहे कि खेत में, धान के खेत में जो पौधा लगाए हैं, छोटा छोटा है अभी,
तो कहे कि कुछ कीड़े हैं और वो उसको इस ढंग से चूस रहे हैं कि वो बढ़ने नहीं दे रहा। तब मैं कहा कि यार अभी से छोटा छोटा पौधा है और दवाई डालना शुरू कर रहे हो, तो साहब डालना ही पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो होगा ही नहीं। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इतना सारा कर रहे हैं और इसके बाद में अभी तो छोटा है पौधा है, अब बढ़ते बढ़ते तक कितने बार दवाई डालेंगे, कितने खाद पानी डालते हैं, दवाई डालते हैं, और एक प्रकार से विषाक्त वातावरण तो बनता है। आप कभी पहले के जमाने में हम लोग छोटे रहे, खेतों में लहलाती फसल में जा करके घूमते थे, मन प्रसन्न हो जाता था, इतना अच्छा लगता था। अगर मन बोझिल है, तबियत खराब है, खेतों में एक चक्कर मार के आई एकदम फ्रेश। और आज आप जाएं तो दवाई की गंध से लगता है कि जी उपजा जाता है। तब में कभी लगता है कि कोई एक खेत खलिहान की जगह में घर हो, वहां आसन न हो। अब विकास के नाम से हो ही रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये मजबूरी है, लेकिन इसका विकल्प, इसका साइड इफेक्ट जो पड़ रहा है वो बहुत भयंकर है। ये तो एक क्षेत्र है और जीवन के अनेक क्षेत्र में ऐसी समस्याएं आ रही है। मैं समस्याएं बता करके आपको भी बोझिल नहीं करना चाहता। एक रिसर्च से ये पता चला है कि पर ईयर हर साल करीब आधा से ऊपर डिग्री तक के तापमान बढ़ रहा है। अगर जिस ढंग से अभी तापमान बढ़ रहा है ऐसी स्थिति रही और इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में ही, जैसे भारत के कई बड़े बड़े शहर हैं, वो पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर जो मतलब जो बर्फ है उत्तरी ध्रुव में, तो वो सब गल रहा है और पानी का लेवल बढ़ रहा है। हर तरफ समस्या है। दूसरी बात छोड़ दीजिए, यही आश्रम में है, चारों तरफ हरसिंह है, चलने फिरने देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना। अब बोरिंग है सब जगह, पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाला जा रहा है बड़े बड़े शहरों में। तो जैसे कि मैं सूरत में रहता हूँ, इतना बड़ा एरिया कवर्ड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें खड़ी हैं, पक्की रोड है और जो कुछ भी जगह है पूरा बिछा हुआ है। पानी का तो सोर्स अंदर जा ही नहीं रहा है, पानी तो अंदर खींच ही नहीं रहा है और निकाले जा रहे हैं। और नीचे का एक लिमिट है, कब तक होगा वो, कब तक रहेगा? आप सबका अनुभव होगा, पहले जैसे कि बूढ़े लोग हैं उनको पता होगा, 50 से ऊपर वालों को पता होगा, पहले कुआं में भी बहुत ज्यादा पानी रहता था, आज है क्या? कुछ हैंडपंप लगा देते थे 50-60 फीट के हैंडपंप में, खूब पानी, आज क्या हो रहा है? धीरे धीरे अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। ये तो बाह्य समस्या है, अब मानसिक समस्याओं पर भी शुरू करें ना तो फिर ठिकाना नहीं है। और कहीं ना कहीं ये मानसिक असंतुलन की वजह से ही ये सब पैदा हो रहा है। खैर ये सब हमारा विषय भी नहीं है, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देता है ये सब चीज। हर आदमी को सोचना चाहिए। कई बार तो एक जगह है गुजरात में ही, सत्संग में गए तो मस्त टमाटर दिखा, तो टमाटर तो उनको भक्तों को कहे भाई टमाटर तोड़ के लाइए चटनी बनाएंगे। उधर के लोग नहीं जानते हैं कि टमाटर का पीस के चटनी बनाते हैं, छत्तीसगढ़ वालों को तो पता है। तो टमाटर धनिया मिर्च वगैरह डाल करके चटनी पीसते हैं, तो उनको कहे कि भाई इसको टमाटर लाइए चटनी बनाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि साहब ये खाने लायक नहीं है। तो हम कहे मतलब, तो कहे कि साहब ये बेचने के लिए, खाने लायक नहीं है ये बेचने के लिए है। सुन करके मैं सन्न रह गया कि यार यही सब हम लोग खाते हैं, हम लोग तो पैदा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं तो खरीद कर एक ही खाते हैं, ऐसे हर जगह तो विसी तो खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं खाने के लिए हम अलग बोए हैं, तो दूसरों को मारने के लिए। आप सब भी जानते होंगे कि कृषक हैं, आप भी कुछ करते होंगे ऐसा। दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, आज के भाग दौड़ की जिंदगी है, कंपटीशन का युग है, इसमें शामिल होना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। आपको भी मानते हैं, आप लोग मानते हैं। एक तेल कंपनी वाले से बात हुई, देखिए ऐसे संस्मरण में बहुत सारे रहते हैं। एक तेल कंपनी वाले से बात हुई तो ओरिजिनल तेल घानी वाला तेल, एक डॉक्टर हैं हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत में, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बताई है, आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रयोग कर सकते हैं। कहे साहब तीन चीज़ से बचिए, अगर स्वस्थ रहना है तो तीन चीज़ से बचिए, नमक, यहाँ थोड़ा भी नमक कम पड़ता है तो फिर सब लेते हैं, और वैसे लेते हैं तो वो ज़्यादा भी पड़ता है, तो इसलिए हमारे आयोजकों से निवेदन है कि थोड़ा देख करके डलवा दें, क्योंकि अलग अलग लेते हैं तो ज़्यादा खा जाते हैं। ज़्यादा नमक खाना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तो कहे कि नमक, चीनी, मैदा, ये तीन चीज़ों से अगर बच सके, और तेल चौथी बात, तेल, इन चारों चीज़ों से आप बच सके तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा ले जाएंगे। तो घाणी का तेल का प्रयोग करने की बात कहे, और वो खुद कहते हैं कैसा, मैं तल लेता हूँ तिल, और तिल को लेकर के पिरवा करके फिर उसको प्रयोग करता हूँ। तो जो सिंग दाना है, फल्ली दाना, उसका भी हम लोग मतलब घानी वाला प्रयोग करते हैं बहुत दिनों से। तो एक कंपनी वाले से, बहुत बड़ी उनका प्रोजेक्ट है, उनसे बात किया तो कहे भाई जब घानी वाले हैं वो 3,000 से 3,500 रुपया टिन बेच रहे हैं, और आप इसी को 2,200 रुपया में कैसे बेच सकते हैं? उस समय 1,800 था, 1,800 में कैसे बेच सकते हैं, और लोग तो 3,000 दे रहे हैं। तो चर्चा हुई कि साहब ये ओरिजिनल नहीं होता, उसमें आप लोग सर्च करके भी देखेंगे उसमें 40% पामोली मिलाया जाता है, जो मतलब बाहर के देश मालदीव वगैरह से आता है, तो दूसरा तेल मिलाते हैं। और बीच में रिसर्च हुआ था जो सरसों तेल गंध जैसे, गंध तो सरसों का है लेकिन उसमें भी भेड़सेड़ शुरू हो जाता है, दूसरी चीज को मिला देते हैं। ऐसे सब चीज में आप लोग जानते हैं, तो हर जगह तो समस्या है, हर जगह मनुष्य की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। क्या होता है आगे कुछ नहीं, कोई नहीं देखता है, वर्तमान में उनको मिलना चाहिए नोट, वर्तमान जीवन अच्छी हो ये देख रहे हैं, लेकिन इससे कोई अच्छी नहीं होती है। ये बहुत सारी समस्याएं हो रही है, और मन खराब भी हो रहा है। मन खराब करने के लिए एक से एक हम लोगों जैसे साधु लोग भी होते हैं, धर्म नेता होते हैं। एक जगह धर्म सभा में गया था तो अच्छे बड़े बड़ा हाल था, करीब 1,000-2,000 लोग बैठे रहे, और एक से एक वक्ता आए थे, उनका भी सुन रहे थे। जब बोलने लगा, कोई चीज चर्चा आई, तो एक भाई सामने से कहे, उंगली उठा करके, साहब आप लोग ही तो ऐसे करते हैं। सही बात है, मानसिक दूषण जो फैलाया जा रहा है,
जिस प्रकार मनुष्य को गुमराह किया जा रहा है, जिस प्रकार मनुष्य को परमुखापेक्षी बनाया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए अपने विवेक का, अपने बुद्धिबल का प्रयोग करिए। कौन कहता है, सुनिए सबकी निबेरी अपनी, कबीर साहब ने कहा सुनिए सबकी निबेरी अपनी। नहीं तो ऐसे उलझाते हैं लोग, ऐसे उलझा रहे हैं, अब भोले भाले लोग ऐसे फंस रहे हैं। कबीर साहब की ये तो ध्यान सूर्य है, इस ढंग से बात कम ही की जाती है, लेकिन मुझे कबीर साहब की वो बात याद आ रही है। बिजक में एक साखी है, मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार, अखिया तेरी रतनाली तू क्यों पहरा जार, पानी भीतर घर किया सेज्जा किया पस्तार, पासा परा करीम का तब मैं पहरा जार, मच्छ होए नहीं बाझी हो धीमर तेरो काल, जही जही डाबर तुम फिरो तहता मेले जाले। रूपक है मछली को लेकर के धीमर है वो बेचने के लिए बाजार जा रहा था, पीछे पीछे कबीर साहब आ रहे थे। उन्होंने देख करके कहा, मछलियां जीवित रही होंगी, देख करके कहा मछलियां तुम्हारी तो बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें हैं, तुम इस धीमर के जाल में कैसे फंस गए? तो मानो मछलियों ने उत्तर दिया कि क्या करें साहब, हम लोग पानी में रहते हैं और नीचे तल इस जगह में घर बनाए थे, वही सोए थे, अब ये करीम नाम का मछुआरा इसका जाल पड़ा और उसमें हम फंस गए। कबीर साहब कहते हैं मच्छ होए नहीं बाझो डीमर तेरो काल, मछली होकर के तुम बचोगे नहीं और ढीमर तुम्हारा काल काल होगा, जिस जिस गड्ढे पर जाओगे वहां वहां तुम फंसा लिए जाओगे। यदि हम विवेक विचार का प्रयोग न करें, इसको अगर तथ्यता देखें तो कि हे मनुष्य तुम्हारे पास विवेक विचार रूपी नेत्र हैं और विवेक विचार रूपी नेत्र होने के बावजूद तुम इन गुरु घंटालों के चक्कर में कैसे पड़ जाते हो, कैसे अपने आप को फंसा लेते हो? तो लोग कहते हैं भाई कहीं ऐसे सत्संग भजन में गए और बैठे और बड़ी मीठी मीठी वाणी बोल रहे थे, उसी में थोड़े मगन हो गए, अब मगन हो गए और उनके वाणी का जाल पड़ गया। तो साहेब कहते हैं भावुक बन करके तुम चाहे कहीं भी जाओगे फंसा लिए जाओगे, इसलिए भावना ठीक है, भावना से उस ऊपर विवेक है, विवेक का उपयोग करिए, भावुक न बनिए, भावना के साथ विवेक का भी उपयोग करिए। तो कई तरह से प्रदूषण है, बाह्य प्रदूषण है, मानसिक प्रदूषण है और नाना प्रकार की जो समस्याएं जो पनप रही है, अगर कहीं हम देखें तो खास करके मन की वजह से मानसिक अनिबित्ता के असंतुलन की वजह से जो बाह्य जीवन में असंतुलन हो रहा है और नाना प्रकार की समस्याएं बन रही है, घर परिवार में टूटन, एक दूसरे में खींचा तान, ये क्यों हो रहा है? युवा वर्ग आज जिसको हम समाज का कर्णधार कहते हैं, जो आगे चल करके भविष्य में समाज के हर क्षेत्र में आगे आएंगे, समाज को चलाएंगे, बड़ी गंभीर बीमारी से सब पीड़ित हो रहे हैं। जिस समय उनको एक ओजपूर्ण जिंदगी जीना चाहिए, होशपूर्ण जिंदगी जीना चाहिए, मन की गुलामी में और व्यर्थ के द्वंद में पढ़ करके उलझ रहे, अब ये सब काम कर रहा है मोबाइल, टीवी, आज के चलचित्र, युवा साथी बैठे हैं, कुछ आप लोगों के लिए है, एक बार ये सब ना भयंकर नशा मोबाइल,
एक बार इनमें अगर कहीं डीपली घुसे निकलना मुश्किल होता है। सबका पता है, सबको पता है, जब आप मोबाइल देखते हैं, कुछ देख रहे हैं, अच्छी चीज देखते देखते अगर कहीं कोई भी चीज आप देखने लगे, और समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता, समय कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा, और कब आप नेगेटिव वे में चले जाओगे, कब आपका जीवन नीचे की ओर चला जाएगा पता नहीं चलता है। और बाहर वाले तो परोस रहे हैं, मोबाइल में जो चीज आप देखेंगे, अगर कोई चीज, कोई बातें, कोई फिल्म, कोई चलचित्र, कोई घटना देखे, अब बार दो चार बार देखे तो वही चीज आने लगेगा फिर मोबाइल में। अब यही खेल मन का भी है, यही खेल मन का है, जो थॉट्स को आप ज्यादा जोर देते हैं, जिन विचारों को आप महत्व देते हैं, वैसे ही विचार आने लगते हैं। मोबाइल भी तो मन का ही खेल है ना, मनुष्य ही तो बनाया है। तो जैसे विचार आप करने लगते हो, जिन विचारों को आप ज्यादा तुल देते हो, ऐसे विचार बार बार आने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं। वैसे मोबाइल में है, जिन चीजों को आप बार बार देखते हो, ज्यादा देखने लगे, वही बार बार आने लगेगा। टोटल कहां दुनिया भर के धर के रख देगा। अब चुनाव आपके ऊपर है साहब, क्या चुनना चाहते हो। वैसे आज भी हमारा जीवन एक चुनाव पर ही निर्भर है, हम जहां हैं, जैसे भी हैं, ये हमारा चुनाव है। आप सत्संग में आए, ये आपका चुनाव है। जो सत्संग में नहीं आए, ध्यान में नहीं आए, वो उनका चुनाव है। अगर सही क्षेत्र में न रहे, सही दिशा में हम न जाएं, तो गलत दिशा में जाने के लिए हम बाध्य हैं, अनजाने उसका चुनाव कर ही लेते हैं। अब जब एक बार गलत वे में चले गए तो चुनाव भी नहीं रहता, फंस जाते हैं। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कहते हैं कि साहब क्या करें, आदत पड़ गई है। वो जानते हैं, समझते हैं कि ये गलत है, फिर भी आदत के वसीभूत लाचार है। इसलिए जो युवा साथी भी बैठे हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अलग से भी मुझे मिलिए। और मैं समझता हूं अगर समाज का एक व्यक्ति भी अगर सही दिशा पकड़ लिया, यहां आए हो ना, अगर आपके जीवन में कुटेव या गंदी आदत, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नेगेटिव कर्म नहीं होने लगे, तो ये समझ लेना कि यहाँ आना सफल हो गया, ये ध्यान शिविर सफल हो गया। बूढ़े लोगों से तो क्या अपेक्षा भाई, ना तो वो बनेंगे ना बिगड़ेंगे, जितना है उसी में, जो सो रहे हैं सो रहे हैं, जो जाग रहे हैं जाग रहे हैं, जो सोच रहे हैं सोच रहे हैं, न उनसे कोई उत्थान की आवश्यक अपेक्षा है, न नहीं पतन की। हाँ, इसका मतलब यह नहीं आप अपने आप को नेग्लेक्ट मत कर, ये न मान लीजिए, आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जहां हैं, जिस स्तर पर हैं, वहीं से, साहेब जी कहा करते हैं ना, और सब काम करने में व्यवस्था हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मन की शांति के लिए, यदि आप बिस्तर पर लेटे हैं, असक्त हैं, उठ नहीं पाते हैं, फिर भी आप मानसिक शांति का काम कर सकते हैं। मैं तो खास करके युवा साथियों से, बच्चों से, बच्चियों से, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में एक संकल्प भाव लेकर के, हो सकता है किसी के जीवन में नेगेटिविटी आ चुकी हो, गलत विचार, गलत कर्म, गलत भाव बन चुके हों, आप उसको दूर करने के लिए एक संकल्प के साथ में उठिए। गलती हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, हो जाती है, ऐसा दुनिया में कोई दूध का धोया नहीं है जिससे गलती ना होती हो, लेकिन उस गलती को समझ करके अपने आप को ऊपर उठा ले, वही महान होता है। मैं समझता हूं यहां जो बैठे हैं, अंगुलीमाल और रत्नाकर जैसे गलत नहीं होंगे, ऐसे क्रूर नहीं होंगे, ऐसे आतताई नहीं होंगे, ऐसे निचतापूर्ण काम में नहीं पड़े होंगे, लेकिन वो जैसे ऊपर उठ सकते हैं,
वो ऊंचाई पर आ सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? बस संकल्प मजबूत हो। संकल्प में वो शक्ति है, वो पावर है कि जो असंभव बना लग रहा है ना, वह भी हो जाता है। एक सामान्य वानगी ले, आजकल उपवास का माहौल चल रहा है, उपवास रहते हैं ना आप सब, कोई दिन उपवास रहे, उपवास का भाव है, उपवास का संकल्प है, और उस दिन कोई आपके मन पसंद की चीजें बनती हैं, लेकिन जब संकल्प दृढ़ है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे कोई कितने भी अच्छी चीज बना के खाए, कुछ लगता है? हमारे बिल्कुल वो संकल्प मान के लिए गोबर माटी की तरह है, चाहे कोई कितना भी कर दे, प्रयास करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर संकल्प करें, एक बात लेकर के विराम दूं कि कितने मतलब संकल्प में पावर है और कैसा हो सकता है। एक सज्जन गुजरात तरफ, जूनागढ़ तरफ में गया था, आज से 10 साल पहले की बात है, तो करीब 70 साल के रहे और बीड़ी पीते थे वो, पहले बीड़ी पीते थे, और कहे कि दो कट्टा, कट्टा कहते हैं ना गोला ऐसे रहता है, दो या तीन कट्टा कहे पर्डे में पीता था कहे। अब कोई संत के संपर्क में आ करके संत कुछ कहे होंगे तो छोड़ दिए, कैसा छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया साहब। अब उसके बाद में जो बीड़ी पीने वाले हैं, यहाँ भी कोई वीर होंगे भी, नहीं हो तो अच्छा है, अगर हो तो भी समझेंगे, कह कि छोड़ दिया। उसके बाद एक दो दिन के बाद में पेट फूलने लगा। अब ऐसे लोगों का बिना बीड़ी पिए संडास उतरता नहीं है, तो वो पेट से परेशान होने, पेट फूलने लगा, तो फिर वो डॉक्टर के पास में गए, तो डॉक्टर साहब बातचीत की है, उसके बाद कह के बीड़ी पीते थे क्या? तो कह हाँ, तो सीधा से कह दिए कि बीड़ी पियो ठीक हो जाएगा। तो उस सज्जन ने कहा कि भले मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन मैं अपने गुरु के पास संकल्प लिया हूं, मैं फिर से नहीं पी सकता। फिर वो बता रहा था कि साहब एक दो दिन थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद ठीक हो गया, अब तो उसकी गंध भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये संकल्पों की बात है। एक और बताऊं, साबरकुंडा के पास में पिछले साल गया था, तब की बात, तो ऐसे एक जगह बुलाए तो सत्संग हो रहा था, उसके बाद में जो सज्जन मुझे लेने के लिए आए थे उसके घर में गया, दूसरे घर में था, तो सवेरे सवेरे नहा धो करके वो पहुंच गया और कहे साहब आप कहे, हालांकि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से फोर्स करके कुछ नहीं कहा था, अब वो गुटखा खाते थे, मावा क्या गुटखा कहते हैं, वो तंबाकू वंबाकू मिक्स करके, वहाँ मावा कहते हैं, मावा यहाँ खोआ वाला कहते हैं, वहाँ मावा कहते हैं, मिक्स करके, और बहुत खतरनाक भी होता है, बहुत वो नशा ही समझो, तो वो खाते थे। नहा धो करके फ्रेश होकर के आए और आ करके, अब वो कबीरपंथी तो थे नहीं, हाथ जोड़ करके बैठे और कहे साहब मैं आज से ये सब छोड़ता हूँ। तो मैं कह क्यों, मैं तो आपको कुछ कहा नहीं, तो कह के नहीं साहब छोड़ दूंगा, आपकी बात मुझे तीर की तरह लगी। तो मैं कहा कि देखो, जब हमारे पास कह रहे हो तो फिर आगे कुछ मन में हो तो, तो उसने कहा, वो उनकी बात में कह रहा हूँ साहेब, प्राण जाई पर वचन न जाएगा। मैं इसलिए ये बातें घटना बता रहा हूँ कि निश्चित ही हमारा मन ऐसा कमजोर है कि थोड़ी थोड़ी बातों में पिलपिलाता रहता है, लेकिन आप दृढ़ हो गए ना, संकल्पवान हुए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको डिगा सके। और ऐसे घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। गीता का वो सूत्र, युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधो योगो भवति दुखाः। जीवन में संतुलन
आहार विहार संतुलित हो, चेष्टा संतुलित हो, उठना और जागना संतुलित हो, सोना जागना संतुलित हो, यही दुख का नाशक है। युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधो अबोध ज्ञान यह भी युक्त हो। योगो भवति दुखः, यह योग ही दुख का नाशक है, यह भी सहजता की ओर ही ले जाने वाला है। तो मैंने बात शुरू की कि जीवन सहज हो। हम सब सोच करके प्रकृति में असहजता उत्पन्न करते हैं। प्रकृति अपने आप में सहज है, ब्रह्मांड अपने आप में सहज है, ग्रह नक्षत्र अपने आप में सहज हैं, प्रकृति में जो कुछ घटनाएं घट रही है वो सहज है। बस हम अपने मन की वजह से बाहर भी समस्या खड़ी करते हैं, अपने जीवन में असहजता उत्पन्न करते हैं। और ये ध्यान सद्गुरु कबीर का विचार जीवन में सहजता सिखाती है। अगर सहज होना होने लगे, मन में सहजता आने लगे, तो अगर कभी घर में गृहिणी नमक कम डाल दी तो आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा। कभी समय पर काम नहीं हुआ तो उलझेंगे नहीं, आंदोलित नहीं होंगे। आप ला करके देखिए तो एक भावपूर्वक। अब इसी के लिए प्रयोग है जो हम ध्यान में कर रहे थे ना। बच्चा एक पूछ रहा था, ध्यान में आप तटस्थ होकर के देख रहे हैं, रागात्मक और द्वेषात्मक जो भी विचार है, सामान्य विचार भी आ रहे हैं, जितनी तटस्थता हो रही है ना, ये आपके जीवन में सहजता लाएगी। ऐसा नहीं है कि बैठ करके आप देख रहे हो इतने क्या हो जाएगा इससे। इस तथ्य को समझिएगा, देखने की विटनेस की स्थिति आपकी बढ़ती जाएगी तो आपके जीवन में सहजता घटित होने लगेगी। आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि जिन बातों को लेकर पहले आंदोलित होते थे, उन बातों को लेकर वो आंदोलन पैदा नहीं होता है। हो सकता है स्वभावगत कोई थोड़ा झल्ला भी जाए, लेकिन तत्क्षण सावधान होंगे, तत्क्षण और सजगता की स्थिति बनने लगेगी। इसी के लिए ध्यान है, इसी के लिए मेडिटेशन है। बहुत सारी बातें हो गई, और इसलिए भी कि ये संक्रमण काल है, जब बैठाते हैं तो सीधा वो सतलोक में चले जाते हैं, इसलिए कुछ चर्चा हो गई। अब फिर से मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कह रहा था, अपनी कुछ बातें आप तक संप्रेषित कर पाया। सभी लोग सहज रूप से बैठे, और जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो अभ्यास का काम करें। थोड़ा हिल डुल करके आप सहज होकर के बैठेंगे, कंफर्टेबल। सहज का मतलब है कि ना किसी प्रकार से अकड़न हो, ना तनाव हो, ना ढीलापन हो, सहज।